and welcome you all our online classes of Supreme 60 Institute. Guys, हम लोग alcohol, phenol, ether के chapter की series में आज दूसरा lecture हम लोग करने वाले हैं. पहले lecture में हम लोगों ने कुछ basics preparation of alcohol के बारे में हम लोग discuss कर रहे थे, जिसमें कुछ पुराने reactions को हम लोगों ने include किया था, जैसे alkene से कैसे बनाते हैं alcohol, एल्किल हैलाइड से कैसे बनाते हैं एल्कोहल. ये सारी बातें हम लोगों ने पिछली क्लास में एक एक करके सोचा था, एक एक करके किया था. और फिर हम लोग बात कर रहे थे कि डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करके भी हम एल्कोहल प्रिपेयर कर पाते. उससे पहले हम लोगों ने एक रिड्यूसिंग एजेंट्स के बारे में डिस्कस करना शुरू किया था, और जाते जाते रिड्यूसिंग एजेंट की बातें करते करते हम लोगों ने क्लास खत्म किया था. जैसे आपको याद होगा कि LiLS4 का फंक्शन हम लोगों ने डिस्कस किया था, NaBH4 का फंक्शन डिस्कस किया था, कि ये कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस कर सकते हैं, इनकी रिड्यूसिंग पावर कितनी है. ये सब बातें हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया था. फिलहाल तो मैंने बोला था ये इम्पॉर्टेंट है, तो आज की क्लास हम लोग गाइस कंटिन्यू करेंगे कुछ पुरानी बातों पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करने के साथ. ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आज की क्लास में जितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट होंगे वो पुराने क्लास को देख के ही प्रेजेंट होंगे. ये बात हमें हमेशा बोलता रहता हूँ, पुराने लेक्चर्स अगर आप देखे होंगे तब इस लेक्चर का आप आनंद उठा पाएंगे, क्योंकि कनेक्टेड होते हैं चैप्टर. ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन के साथ इसको करते हैं. जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने है, पूछा गया द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन. ये रिएक्शन दिया गया है, इसमें मेजर प्रोडक्ट पूछा है. हाँ, मैं समझ पा रहा हूँ कि आपके मन में किस तरह की कसमकस है कि सर NaBH4 समझ में आता है, ये ETOH का क्या मतलब है. पिछली क्लास में आपने बातें किया था कि यह NaBH4 या LiLS4, ये ETOH यहाँ पे क्या है. ETOH या फिर कोई भी प्रोटिक सॉल्वेंट यहाँ पे होता है वो H+ देता है. H+ की जरूरत हमें रिडक्शन में पड़ती है, इस O- को H+ की जरूरत पड़ती है, वो H+ हमें प्रोटिक सॉल्वेंट से लेना पड़ता है. कभी कभी ये H+ आपको दिया जाएगा किसी सॉल्वेंट के थ्रू, या कभी कभी नहीं दिया जाएगा, अपने आप मान लेंगे कि H+ अवेलेबल होगा. ठीक है, फिलहाल आप, मैं बोलूंगा इस स्टेज पे इसे अवॉइड करें. अभी जब मैं मैकेनिज्म बताऊंगा तो मैं इसका रोल बता दूंगा. ठीक है, तो फिलहाल अभी आप ऐसा सोचिए कि जो कंपाउंड दिया गया है उसमें क्या फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, और NaBH4 की क्षमता के अकॉर्डिंग आप डिसाइड करें कौन सा प्रोडक्ट आपका होगा. ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ काफी स्टूडेंट्स में से कुछ आंसर प्रिडिक्ट करने में सक्षम होंगे. पहले बताइए कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप इसमें प्रेजेंट है. तो आप जैसे इसमें देखना शुरू किए होंगे, आपको समझ में आ गया कीटोन फंक्शनल ग्रुप है और एक अनसेचुरेशन एल्कीन है. तो NaBH4 किसको रिड्यूस करता है, एल्कीन को क्या? नहीं भैया, एल्कीन और एल्काइन को इसकी औकात नहीं है. कीटोन रिड्यूस करता, यस, एल्डिहाइड और कीटोन के लिए बहुत ही सुटेबल है. किसमें? एल्कोहल में. तो कौन सा आंसर करेंगे, कौन सा इनको आंसर करेंगे? लास्ट, परफेक्टली लास्ट. ठीक है, कीटोन ही रिड्यूस होगा, केवल 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 कीटोन रिड्यूस हो जाएगा करस्पॉन्डिंग 2 डिग्री एल्कोहल में. अनसेचुरेशन पूरा का पूरा बचा रहेगा, बचा रहेगा. मुस्कुराइए, क्योंकि आप ही के एग्जाम में आया हुआ जेई मेंस 2019, समझ रहे हैं आप. डायरेक्ट क्वेश्चन आया था NaBH4 के फंक्शन, NaBH4 का फंक्शन क्या है, सीधे सीधे उस पर क्वेश्चन आया था. अगर आप रिड्यूसिंग पावर जानते हैं तो आप कर सकते हैं तुरंत. ठीक, हाँ, अब यार इसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर कीजिए, मैं अभी इस स्टेज पे बताना नहीं चाहता. अभी जब मैं NaBH4 का फंक्शन बताऊंगा तो इसका रोल क्या है वो मैं बताऊंगा. ठीक है, फिलहाल इसे नोट कीजिए, फिर मैं एक क्वेश्चन और डिस्कस करता हूँ. ये क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, फिर से जरा देखिए. अब अगर आप देख पा रहे हो तो फिर से यहाँ पे NaBH4 के साथ एल्कोहल दे दिया गया है, वहां पे इथाइल एल्कोहल था, यहाँ पे मिथाइल एल्कोहल. हमेशा यहाँ पे एक प्रोटिक सॉल्वेंट होगा, कभी कभी H+ होगा, कभी कभी वाटर होगा. क्यों होगा, ये मैकेनिज्म का थीम है. अभी मैं फिर से बोलूंगा इसको आप अवॉइड कीजिए, जितना मैंने बताया था NaBH4 के साथ उतना सोच के आंसर कीजिए, आपका पक्का आंसर सही आएगा. कौन सा प्रोडक्ट आएगा पूछा है, द मेजर प्रोडक्ट एक्स, यहां पे जो एक्स बनेगा उसी के बारे में पूछा है, फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन.
आप देखिए रिएक्टेंट को देखिए, उसमें कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है इसको पहले आइडेंटिफाई कीजिए, और फिर आप डिसाइड कीजिए कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप NaVH4 से रिड्यूस होता है कौन सा नहीं। बस इतना सा काम, मैं उम्मीद करता हूं सोच पा रहे होंगे, कुछ आंसर भी कर दिया होगा, ट्राई किया होगा तो ऑटोमेटिकली आंसर सही आपका। चलिए पहले देखते हैं इसमें ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एस्टर है भैया, एस्टर है, ये क्या है कीटोन, क्या है कीटोन, और इसको तो अंतःचूर्ण आप पहुंच जानते ही हो एल्कीन। NaVH4 की औकात में क्या है, किसको रिड्यूस करने की क्षमता है, केवल और केवल कीटोन को, केवल और केवल कीटोन को। मैंने बोला था एस्टर एसिड डेरिवेटिव इससे रिड्यूस नहीं हो पाएगा, एस्टर रिड्यूस नहीं हो पाएगा, अनसैचुरेशन रिड्यूस नहीं हो पाएगा, केवल और केवल कीटोन रिड्यूस होगा अल्कोहल में। यह ऑप्शन गलत है क्योंकि इसमें अनसैचुरेशन और एस्टर दोनों रिड्यूस हो गया, इसमें अनसैचुरेशन बचा है लेकिन कीटोन रिड्यूस नहीं हुआ, इसको एल्डिहाइड में रिड्यूस कर दिया इन्होंने, ये इसमें क्या समस्या है, इसमें समस्या ये है कि कीटोन भी रिड्यूस हो गया है, एस्टर रिड्यूस हो गया है, इसमें कोई समस्या नहीं, इसीलिए तो ये आंसर है, यही आपका आंसर है। देखिए कीटोन रिड्यूस हो गया है और जो एस्टर जैसा का था वैसा है, एल्कीन जैसा का था वैसा है, ठीक है भैया। ये भी जेई मेंस 2019 में ही आया था, 2019 में ही आया था, समझ रहे हैं आप। तो आप देख रहे हैं रिडक्शन के बेस पे क्वेश्चन कितना फ्रिक्वेंटली पूछा गया है, कितना आसान आसान क्वेश्चन, बस आपको किस फंक्शनल ग्रुप का रिडक्शन आपको आसानी से पता था, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था, सीधे सीधे आंसर करके आना था, वहां बिल्कुल भी समय नहीं लगता इस सारे क्वेश्चन में, आसानी से आपके नंबर मिल जाते। तो आई होप की बात समझ में आ रही होगी, इसे नोट कीजिए, फिर एक क्वेश्चन मैं और देता हूँ। ओके अगला क्वेश्चन फिर से आपके सामने है, अगर आप पढ़ें बोला गया था मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट आपको बताना है। इस बार देखिए NaVH4 के पास कोई सॉल्वेंट नहीं दिया है, कहा देखिए यहां भी इनको कोई H+ या एथेनॉल या मेथेनॉल या वाटर कोई सॉल्वेंट देना चाहिए था लेकिन नहीं दिया, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कभी कभी किसी में देंगे किसी में नहीं देंगे, हमेशा आप मान के चलेंगे कि यहाँ H+ है, ठीक है। कभी कभी मैंने बहुत जगह देखा है कि नहीं देते, केवल लाइल H4 या NaVH4 दे देते हैं, कभी कभी दे देते हैं डायल्यूट एसिड के प्रेजेंस में, फिलहाल जरूरत पड़ती है। अब आप देखिए इसमें क्या चेंज होगा, कौन सा ऑप्शन आएगा, आराम से सोच के देख लीजिए, मैं चाहता हूं पहले आप थोड़ी देर तसल्ली से आप देख लीजिए, उसके बाद आप आंसर करें, जज कर लीजिए कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप रिड्यूस होगा, कौन सा बचा रहेगा, ठीक है। तो फाइनली अगर आप, मैं यहां पे कुछ लोगों ने टिक कर दिया होगा आंसर, तो ये क्या है भैया, ये क्या है कीटोन है, इसको तो रिड्यूस ही होना है, तो इत्तेफाक से सारे ऑप्शन रिड्यूस हो चुका है। ये क्या है एल्कीन है, ये हमेशा जिंदा बचा रहेगा, इनकी औकात नहीं रिड्यूस कर दे, तो ये दोनों ऑप्शन तो इलिमिनेट हो गए। क्यों इलिमिनेट हो गए, इन दोनों में एल्कीन इन्होंने हटा दिया है और इन दोनों में एल्कीन है, ये क्या है, इसे पहचानते हैं, इसे पढ़ते हैं इमाइन, इमाइन फंक्शन ग्रुप, याद कीजिए आपने सीरीज में लिखा था इमाइन, इमाइन रिड्यूस हो जाता भी है, ये स्ट्रॉन्ग फंक्शनल ग्रुप नहीं है, साइनाइड रिड्यूस नहीं होता, C(NN) रिड्यूस नहीं होता, लेकिन N(CH) रिड्यूस हो जाता है, ध्यान दीजिएगा, तो रिड्यूस हो जाता है, इसके करस्पॉन्डिंग थर्ड आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। शायद ये मिस हो गया है NaVH4 की जब रिड्यूसिंग टेंडेंसी बता रहे थे तो ये शायद मिस हो गया है, तो जहां NaVH4 का रिडक्शन आप पढ़ रहे थे वहां पे इसको आप ऐसे करके लिख लेंगे NaH(CH) और इसके साथ NaVH4, पेज पलटाइए अपना पीछे से, और उसके बाद यहां पे NaH, यहां पे NaH नहीं N(CH) ऐसे कर लीजिए CH2, ठीक है ऐसे, और यहां पे NaH और CH3 रिड्यूस हो जाएगा, ये इमाइन से पढ़ते हैं, ठीक है, इमाइन से कन्वर्ट हो जाएगा 2° amine में। तो ध्यान रखना कि ये इमाइन जो है ये भी रिड्यूस हो जाता है NaVH4 और NaVH4 तो रिड्यूस हो ही रहा था।
तो गाइज ये भी आपका जेई मेंस का ही क्वेश्चन है, जेई मेंस 2019 का ही क्वेश्चन ये भी है, समझ रहे हैं आप। तो आप देखिए एक ही कॉन्सेप्ट पे हर पेपर में मुझे लगता है पे आया ही था क्वेश्चन, शायद किसी पेपर में छूट गया हो। अभी और क्वेश्चन है, मैं समय के साथ धीरे धीरे कराता रहूंगा। मैं चाहता हूं थोड़ा सा आपके सामने आइडिया आ जाए कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, किस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसे प्लीज अपलोड करें। ओके, तो ठीक है, हम लोगों ने इतना व्यू देख लिया कि क्या क्वेश्चन आता है। बहुत सारे क्वेश्चन है, अभी अभी हम लोग बाद में करते हैं। इससे पहले थोड़ा सा लेक्चर को और आगे बढ़ाते हैं, बचे हुए रिड्यूसिंग एजेंट और उनके फंक्शन के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो थर्ड नंबर था आई थिंक एच आई फॉस्फोरस, एच आई रेड फॉस्फोरस, हाइड्रोजन आयोडाइड विथ रेड फॉस्फोरस, उसको हीट किया जाता है। बोला गया है यूजिंग एच आई इन प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस आफ्टर प्रोलॉन्ग हीटिंग। प्रोलॉन्ग हीटिंग मतलब लंबे समय तक हीट किया जाए, फंक्शनल ग्रुप्स कन्वर्ट इनटू एल्केन। फंक्शनल ग्रुप एल्केन में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये बहुत ही भैया विगरस ऑक्सीडा सॉरी रिड्यूसिंग एजेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं, जैसे कि आपके पास ये फंक्शनल ग्रुप है कुछ इस तरह से, अब इसकी रिएक्शन बोल दिया जाए कि एच आई रेड फॉस्फोरस के साथ हीट किया गया प्रोडक्ट बताइए। बहुत ही पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, जितने भी बड़े फंक्शनल ग्रुप है सबको तोड़ फोड़ देता है। जैसे ये CO है, ये CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर मैं फाइनली आपको प्रोडक्ट लिखूं इसमें क्या आएगा, तो ये CH2 में कन्वर्ट हो गया, इसको ऐसे छोड़ देंगे। ध्यान रखना ये पूरा का पूरा सिस्टम COOH CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा कुछ इस तरह से, और ये CHO भी CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा कुछ इस तरह से। बहुत ही पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है ये, आप समझिए बहुत ही पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। चाहे जो भी डेरिवेटिव हो उसको बहुत ही फ्रिक्वेंटली रिड्यूस कर देता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कुछ इस तरीके से तो पूरी तरह से ब्रेक करेगा इसको, पूरी तरीके से ब्रेक करके इसको यहाँ पे CH3 कुछ इस तरह से तोड़ेगा इस कार्बन को CH3 में, और बचे हुए पार्ट को भी CH3 CH3 में कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखना है कि ये पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, एल्केन में रिड्यूस कर देता है, चाहे एसिड हो, चाहे एस्टर हो, चाहे एल्डिहाइड हो, चाहे कीटोन हो, ठीक है, ये एल्केन में सीधे रिड्यूस कर देता, सीधे सीधे एल्केन में, ध्यान रखना एच आई रेड फॉस्फोरस। इसीलिए इसका यूज बहुत ही कम होता है, क्यों, क्योंकि हमें इसका भी जरूरत ही नहीं पड़ती है किसी फंक्शनल ग्रुप को इतना ड्रास्टिक मैनर में रिड्यूस किया जाए। फाइन, प्लीज आपसे नोट करें। अब इसकी ताकत के बारे में अंदाजा आपको थोड़ा सा लग गया है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। जैसे अगर आपसे मैं पूछूं भैया ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बताओ, तो आई होप कि अब आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पता होगा, CHO CHOH का होल फोर एंड CH2OH, ये क्या होता है, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है। ग्लूकोज को बोला जाता है कि अगर एच आई प्लस रेड फास्फोरस के साथ इसको लंबे समय तक हीट करें, तो आप देखिए कितने कार्बन हैं, CHO एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, एक कार्बन, चार कार्बन यहां, एक कार्बन यहां, मतलब एक यहां, चार यहां, पांच और एक छे। तो ध्यान रखना ये सीधे सीधे छे कार्बन का हेक्सेन बन जाता है, नॉर्मल हेक्सेन में कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज। जबकि देखिए इसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप भी है, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप भी है, सबको रिड्यूस कर देता है, ठीक है। ग्लूकोज हो, इवेंचुअली चाहे फ्रक्टोज भी आपका हो, फ्रक्टोज को भी रिड्यूस कर देता है किसमें, ऑफ कोर्स एल्केन में, कौन सा एल्केन, हेक्सेन, एच आई प्लस रेड फास्फोरस के साथ इसको भी हीट कर दोगे तो छह कार्बन ये भी ऐसे क्या पढ़ते हैं, फ्रक्टोज, ठीक है, फ्रक्टोज पढ़ते हैं। फ्रक्टोज में भी छह कार्बन है, इसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, तो ये भी कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, हेक्सेन में, नॉर्मल हेक्सेन, ठीक है। बहुत ही खतरनाक तरीके का रिड्यूसिंग एजेंट है, सारे फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करने की क्षमता रखता किसमें, एल्केन में, सब धड़ाधड़ धड़ाधड़ सदड़ा सब फंक्शनल ग्रुप हट जाएंगे, तोड़ फोड़ मचा के सबको हटा देगा, जैसे निकलना होगा सब निकल जाएंगे, ध्यान रखना
कन्वर्ट कर दिया किसमें, लेकिन ठीक है, प्लीज नोट करें इसे। फोर्थ रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में बात करते हैं, दैट इज डाइबोरेन, B2S6 डाइबोरेन। बहुत ही बढ़िया कंपाउंड है, बहुत ही फेमस कंपाउंड है इनऑर्गेनिक के बोरान फैमिली में। फिलहाल वहां आप इसके बारे में बहुत ही डीप एनालिसिस करेंगे, लेकिन हमें इसकी रिड्यूसिंग क्षमता के बारे में बात करना है। क्या बोलता है डाइबोरेन? डाइबोरेन इज ए वीक एंड सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट। इट इज रिड्यूस स्पेशली एल्कीन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इट कैन नॉट रिड्यूस एस्टर, नाइट्रो, हेलो एक्सेट्रा। इसकी भी खासियत है, ये फंक्शनल ग्रुप में एस्टर के साथ ज्यादा दिलचस्पी है इसकी, और एल्कीन को भी रिड्यूस करता है। एल्कीन के रिडक्शन की बात करें तो हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन में इसको देखा था एल्कीन की प्रिपरेशन में। फिलहाल अगर मैं एग्जांपल से इसकी बात को समझाऊं क्या बोल रहा है, तो जैसे कि अगर मैं बोलूं कि ये COOH है, तो COOH की रिएक्शन अगर B2H6 इन THF आप रिएक्शन करा दोगे, तो ये बहुत ही आसानी से इसको 1 डिग्री अल्कोहल में रिड्यूस कर देगा। किसमें? 1 डिग्री अल्कोहल में ये रिड्यूस कर देगा। और हाँ, एक सबसे बेहतरीन बात, ये LiAlS4 से अच्छा यील्ड देता है। कभी आपसे पूछा जाए कि COOH से इस अल्कोहल में कन्वर्ट करना है, मोस्ट अप्रोप्रिएट या मोस्ट सुटेबल रिएजेंट बताओ, और LiAlS4 और डाइबोरेन दोनों दिया हो ऑप्शन में, डाइबोरेन आप यूज करेंगे। ये बात NCERT में बिल्कुल लाइन में मेंशन है, और जो NCERT में लाइन में मेंशन है वो जेई मेंस के लिए बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र होता है। ठीक है, फिलहाल तो ये बात ध्यान रखना कि डाइबोरेन एसिड को रिड्यूस करने बहुत ही सुटेबल होता है। LiAlS4 से भी बेहतर, और NaBH4 की तो औकात ही नहीं कि इसको रिड्यूस कर पाए। और अगर बात करें एल्कीन की, तो एल्कीन के साथ डाइबोरेन अकेले नहीं आता, दो स्टेप में रिएक्शन होता है, एक B2H6 THF के साथ, दूसरे स्टेप में कोई एसिड लेते हैं, उस एसिड का जो है H+ की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये आराम से इसको रिड्यूस कर देता है एल्कीन में, किसी एल्कीन को रिड्यूस कर देता है एल्कीन में, एल्कीन बना देता है। ठीक है, लेकिन सावधान एंड खबरदार, क्या एस्टर के साथ इसकी कोई भी हमदर्दी नहीं है, इसको एस्टर के साथ इसकी कोई भी रिएक्शन नहीं है। अगर इसकी रिएक्शन B2S6 THF से कराते हो, THF का मतलब एक टट्रा हाइड्रोफ्यूरॉन होता है, एक साइक्लिक ईथर होता है, तो ध्यान रखना नो रिएक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से बात ध्यान रखेंगे कि एसिड के साथ बहुत अच्छा बिहेवियर इसका होता है, नाइट्रो एल्केन हो तब भी नहीं, हेलो कंपाउंड हो तब भी नहीं, ये स्पेशली एल्कीन और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए बना हुआ है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे, इस पे भी डायरेक्टली कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसे नोट करेंगे, फिर एक दो क्वेश्चन करते हैं। ओके, एक क्वेश्चन आपके सामने फिर से लिखा गया है, रिएजेंट यूज्ड फॉर द गिवन कन्वर्जन इज, एक कन्वर्जन दिया गया है भैया, पूछ रहा रिएजेंट कौन सा यूज करेंगे इस कन्वर्जन के लिए। आराम से जरा रिएक्टेंट पे नजर डालिए, प्रोडक्ट पे नजर डालिए, देखिए चेंज किस में हुआ है, चेंज किस में हुआ है उसी पे नजर डालिए, उसके बाद ऑप्शन पढ़िए। कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, अगर आप देखेंगे एक तरफ से देखें, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप भैया, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये क्या है साइनाइड, ये क्या है कीटोन, ये क्या है एमाइड, सारे फंक्शनल ग्रुप को देख लिया, कन्वर्ट कहां हुआ है, एमाइड जैसा था वैसा एमाइड बचा हुआ है, कीटोन जैसा था वैसा बचा हुआ है, साइनाइड जैसा था बचा हुआ है, लेकिन देखिए एसिड जैसा था वैसा नहीं रहा, एसिड केवल रिड्यूस हुआ है, और केवल सेलेक्टिवली एसिड को रिड्यूस करने की क्षमता किसके पास है, डाइबोरेन के पास। तो ये बी वाला आंसर आपका सही होगा, ये यही क्वेश्चन सही होगा, और यही क्वेश्चन भैया जेई मेंस में पिछले साल आ गया है,
जेई मेंस पिछले साल आ गया 2019। तो आप देखिए जिस ऑर्डर में अपन लोग पढ़ते हैं उसी ऑर्डर में क्वेश्चन आया है। वो तीन एग्जांपल मैं हमेशा देता हूं, जो स्टेटमेंट लिखाता हूं हमेशा लिखाता हूं, और वही पे बेस्ड क्वेश्चन आपके सामने आ गया। बात समझिए। तो अब यहां पे आप देख रहे हैं किसको किसको, एमाइड को प्रभावित नहीं करता, कीटोन को रिड्यूस नहीं करता, साइनाइड को रिड्यूस नहीं करता, ये सारी बातें इस क्वेश्चन के थ्रू हमें समझ में आ गई। जबकि हम पहले भी लिख चुके ना भैया, एस्टर को, नाइट्रो को, ये सब रिड्यूस नहीं कर पाता। ध्यान रखना, कीटोन, एमाइड, साइनाइड किसी को रिड्यूस नहीं कर पाता। स्पेशल किसके लिए बना है, COOH को एल्कोहल में रिड्यूस करता है। कौन? डाइबोरेन। जेई मेंस 2019 में भैया क्वेश्चन आया। तो आप हर फंक्शनल ग्रुप को किसके साथ रिड्यूस करना है उसकी काबिलियत आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसे नोट कीजिए, फिर बात आगे बढ़ाते हैं। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रिएजेंट यूज फॉर द गिवन कन्वर्जन, यहां से यहां तक कन्वर्ट करने के लिए रिएजेंट कौन सा यूज हो रहा है। तो पहले आप रिएक्टेंट को देखिए, उसके बाद पहचानिए कौन सा फंक्शनल ग्रुप इसमें प्रेजेंट है। सबसे पहला काम तो यही है कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है। तो आप देखिए इसमें एक एस्टर फंक्शनल ग्रुप है, एसिड फंक्शनल ग्रुप है। चेंज क्या हुआ, एस्टर जैसा था वैसा एस्टर बचा हुआ है, एसिड एल्कोहल में रिड्यूस हो गया। अब ऑप्शन देखिए, एलाइल S4, भैया एलाइल S4 अगर इसके साथ लड़ा दिए ना तो तोड़ तोड़ के सबको एल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, सबको कन्वर्ट कर देगा, रिंग सब तो बिखर जाएगी, सब एल्कोहल बन जाएंगे, तो ये तो बेकार है। इसको पहचानते हैं, HI रेड फास्फोरस, अगर इसके साथ इसका आमना सामना हुआ ना तो जितने ऑक्सीजन है सबके सब गायब हो जाएंगे, केवल केवल हाइड्रोकार्बन बचेगा, केवल केवल हाइड्रोकार्बन बचेगा, तो इसको तो बिल्कुल नहीं। NaBH4 इनके औकात से बाहर है, इसके साथ अगर इंटरेक्शन करा दिए ना ही इसके साथ इनकी कोई हरकत हो पाएगी ना इसके साथ, दोनों के साथ इनकी अनबन है, कोई रिएक्शन नहीं होता। लास्ट ऑप्शन बहुत ही सुटेबल और बिल्कुल परफेक्ट, समझ रहे हैं, एसिड को उसके करस्पॉन्डिंग एल्कोहल में रिड्यूस करने की काबिलियत डाइबोरेन के पास। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, उसके लिए आप मेंटली तैयार रहिए। प्लीज आप इसे नोट कीजिए, फिर और आगे बात बढ़ाते हैं। तीनों फंक्शनल ग्रुप के फंक्शन को हम लोग समझ चुके हैं। तो अगर मैं एक रिएक्टेंट ले लूं, कोई रिएक्टेंट ये M है, ठीक है, उस M की रिएक्शन पहले एलाइल S4 से कर रहे हैं तो कोई P बन रहा है, उसी M की रिएक्शन कर रहे हैं NaBH4 से Q बन रहा है, इसी M की रिएक्शन कर रहे हैं डाइबोरेन के साथ R बन रहा है, तो आप PQR बताइए। ठीक है, शुरू हो जाइए, उसके बाद आप बताइए क्या एक्चुअली में क्या क्या एक्चुअली आने वाला है। ठीक है, हर किसी को PQR बनाना ऑप्शन नहीं है। ठीक है, P आप यहाँ बना दीजिए, ठीक है, Q बना दीजिए, और फाइनली R बना दीजिए, तीनों प्रोडक्ट आप बना दीजिए क्या एक्चुअली आने वाला है। ठीक है भैया, हर फंक्शनल ग्रुप के पास उसके रिडक्शन की क्षमता और रिड्यूस होने के बाद किसमें एक्चुअली कन्वर्ट होगा ये आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, चलिए पी के बारे में बात करें तो LiLH4 भैया हर किसी को रिड्यूस कर देता, हर किसी को रिड्यूस कर देगा। अगर हर किसी को रिड्यूस कर देगा तो अगर हम बात करें ये, तो ये भी रिड्यूस हो जाएगा किसमें, एल्कोहल में, इसको रिड्यूस कर दिया। ठीक है, ठीक है, मजेदार बात तब हो जाएगी जब यहाँ पे हम लोग डाइबोरेन के साथ यहाँ अनसैचुरेशन भी एक ले लें, तब थोड़ा सा मजेदार हो जाएगा। ठीक है, अनसैचुरेशन ले लें तो, क्योंकि अनसैचुरेशन को डाइबोरेन रिड्यूस कर सकता है, लेकिन फिर से वही है कि यार वहां पे हमने क्या किया है, एसिड नहीं लिया, तो अनसैचुरेशन हटा देते हैं। डाइबोरेन के साथ एसिड होना जरूरी है फिलहाल, चलिए इतने से काम चलाइए, कुछ चेंज मत कीजिए, तो ये रिड्यूस हो जाएगा। सिमिलरली अगर बात करें तो NO2 किसमें कन्वर्ट होता भैया, NH2 में, इतना तो अब तक समझ में आ गया होगा। सिमिलरली अगर हम मैं बोलूं कि ये CN किसमें कन्वर्ट हो जाता है, तो आप समझ पा रहे होंगे CH2 NH2 में कन्वर्ट हो जाता है, और ये पूरा का पूरा सिस्टम किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये CH2OH में। ठीक है, CH2OH में, ठीक है, चाहे तो आप यहां पे ऐसे OH लिख दीजिए, तो ये आपके पास P आ गया। ठीक है, P आ गया। अगर मैं Q यहां पे लिख दूं,
क्यू NaBH4, NaBH4 की औकात किसको किसको रिड्यूस करने की है? केवल केवल कीटोन की। तो ये केवल केवल कीटोन को ही रिड्यूस करेगा, किसमें? 2° अल्कोहल में, और बाकी जो जैसे जहां पे है वो उसी सिचुएशन में उसी हालत में बना रहेगा, उसके साथ कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो ये NaBH4 के साथ ये R के साथ क्या है? डाइबोरेन किसको रिड्यूस करेगा? केवल केवल COOH को, केवल केवल COOH को। कीटोन ऐसे बना रहेगा, कुछ ये ऐसे आ जाएगा, और यहां पे CN है तो ऐसे बना रहेगा, NO2 है तो ऐसे बना रहेगा। ठीक है, तो आप देख लीजिए इस तरह से आपके पास प्रोडक्ट आएगा PQR। बस हर रिड्यूसिंग एजेंट के साथ उसका फंक्शन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, HI रेड फास्फोरस कर सकते हैं, NO2 पूरा का पूरा गायब कर देगा यार, यहां पे यह चाह जाएगा, NO2 गायब होगा, ये CH3 पूरा हो जाएगा, ये भी CH3 हो जाएगा, ये CH2 हो जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा सिस्टम सब के सब ऑक्सीजन नाइट्रोजन हट जाएंगे, एल्केन नजर आएगा। ठीक है, तो आई होप कि अब बातें थोड़ी सी स्पष्ट हो रही होंगी, साथ की पावर समय में आ रही होगी, धीरे धीरे इससे आपको समय में आने लगेगा, चीजों को एक साथ आप पढ़ते रहिए और उसको नोट करते रहिए, और जैसे जैसे आए एग्जाम में यार वो तो मैं करा ही रहा हूं। फाइन, प्लीज नोट डाउन, लास्ट रिड्यूसिंग एजेंट यूजिंग HI निकिल प्लैटिनम, ऑब्वियसली पैलेडियम में, ये एक इकलौता रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर एक्सिस में हाइड्रोजन लेके इसके साथ हीट कर दिए तो हर किसी के साथ तोड़फोड़ मचा देगा, हर किसी के साथ, बसरते कंडीशन हो जाए कि हाइड्रोजन खत्म ना हो मेटालिक सरफेस पे और टेम्परेचर आप देते रहिए। फाइन, तो ये हर किसी को तोड़ देगा, देखिए एसिड, एस्टर, एमाइड, साइन, सबको। फाइन, तो मैंने फिलहाल सबको लिख दिया है, लेकिन अब एक साथ अगर मैं सबको मैं लिख नहीं पाऊंगा यहाँ पे, अब आपको बात समझ में आ रहा होगा, अगर यहाँ पे H2 निकिल प्लैटिनम के साथ हीट कर दिया तो इसको RCH2 NH2 में कन्वर्ट कर देगा, समझ रहे हैं आप। सिमिलरली अगर कोई एल्डिहाइड है तो H2 निकिल प्लैटिनम के साथ ये RCH2OH में कन्वर्ट कर देगा, कोई RNO2 है, H2 निकिल के साथ अगर इसकी रिएक्शन हो गई, हीट कर दिया फाइनली, तो ये RNH2 में कन्वर्ट कर देगा। और सबसे खास बात जो अभी तक कोई नहीं कर पाया था, एल्कीन और एल्काइन को भी ये रिड्यूस कर देता है, यानी हर मर्ज की दवा H2 निकिल प्लैटिनम, समझ रहे हैं आप, बसरते कारण क्या है कि हाइड्रोजन खत्म नहीं होना चाहिए मेटल सरफेस पे, तो इस तरह के सारे रिएक्शन ये आसानी से बहुत ही फ्रिक्वेंटली कन्वर्ट कर देगा सबको। फाइन, ये बात आप ध्यान रखेंगे, कोई भी हो, R1, R2, एस्टर वगैरह हो, तो यहाँ पे H2 निकिल अगर साथ में है, हीट दे दिया, तो ये R1CH2OH प्लस R2OH सबको ये धड़ाधड़ रिड्यूस करने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होगी, H2 निकिल प्लैटिनम के साथ ये एक यूनिवर्सल रिएजेंट हर जगह आपको नजर आ सकता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको पांचों रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में जानकारी अच्छी खासी हो गई है, पांचों रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में आप जान चुके हैं, सबकी आपको पता चल चुकी स्टोरी की, कौन किसको रिड्यूस करता है, कौन किसके लिए ज्यादा सुटेबल हो, कौन किसके लिए ये सारी बातें, सारी स्टोरी आपके सामने आ चुका है। ठीक है, तो आप प्लीज से नोट कीजिए, उसके बाद फिर थोड़ी सी बात आगे बढ़ाते हैं। तो फिलहाल हम लोग अपने स्टोरी पे फ्लैशबैक से वापस आते हैं, शुरुआत हम लोगों ने क्या किया था, थर्ड नंबर लिखा था प्रिपरेशन में बाय द रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन की सोच रहे थे, फिर जहन में हमारा रिड्यूसिंग एजेंट आए, उसके बाद पांचों रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। अब फिर से उसी फ्लैशबैक पे वापस आते हैं, NaBH4 से अगर रिड्यूस करें किसी एल्डिहाइड को तो वो 1° अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, ये बात हम लोगों ने डायरेक्टली लर्न कर लिया है, डायरेक्टली मेमोराइज कर लिया है। अब वक्त आ गया है
कि इन सब की जरूरी मैकेनिज्म भी समझते चले। फिलहाल मैंने बोला था कि मैकेनिज्म उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना मेमोरी में रखना, ये बात इम्पॉर्टेंट है कि कौन कौन से फंक्शन को प्रोड्यूस होते हैं। फंक्शनल जो है ज्यादा इंपॉर्टेंस केस में नहीं है। अब NaBH4 की खास बात आप जानते हो, NaBH4 क्या करता है? NaBH4 Na प्लस और साथ में BH4 माइनस में डिसोसिएट हो जाता और आगे ये हाइड्राइड आयन देता। अगर आप देखिए जो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड वहां पे अगर आप देखें तो अब ये क्या करेगा, यहां पे जो बोरान है, बोरान के पास 4H है, देखिए BH4 और इस पे माइनस है। अब ये बॉन्ड्स ब्रेक होगा माइनस और प्लस, ये आप जानते हैं, शुरू से ही जानते हैं कार्बोनिल का बॉन्ड ब्रेक होता है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो होता क्या है, अब इस प्लस को जरूरत है एक माइनस की, तो वो इस एच को अपनी तरफ लेगा। अगर जब इस एच को लेगा, अगर आप देखें तो ये एच यहां से जो भी निकल रहा है वो पहले निकल सकता था, एच माइनस हाइड्राइड आयन, याद है आपको हाइड्राइड आयन, और यही एच माइनस ही तो जाएगा सी प्लस पे, तो एच माइनस इसके पास गया तो गहरा देखिए क्या आया, यहां पर आया ओ माइनस, यहां पर क्या आ गया एच, और यहां पे क्या आ गया एच, ये बना, और अब ये क्या बन गया BH3- बन गया क्योंकि एक एच निकला। अब जरा देखिए इसको जरूरत है एच प्लस की, ऑक्सीजन पे ओ माइनस आ गया, ओ माइनस को एच प्लस कहां से मिलेगा, अब एच प्लस तो ये नहीं दे पाएगा ना, तो एच प्लस की जरूरत है। अब वो एच प्लस चाहे वाटर से मिले, ठीक है, तो चाहे ऐसे एच प्लस दिया हो या कोई ETOH, अच्छा इथेनॉल दिया होगा, ये भी क्या है प्रोटिक सॉल्वेंट, कोई भी प्रोटिक सॉल्वेंट हो चलेगा, कोई भी प्रोटिक सॉल्वेंट हो, क्योंकि प्रोटिक सॉल्वेंट का काम ही है प्रोटॉन एच प्लस देना, तो एच प्लस यहां पहुंच जाएगा तो बन जाएगा R, यहां पे OH, एक H यहां, एक H यहां, इसी को आप समेट के लिख सकते हैं RCH2OH, RCH2OH, ठीक है, 1 डिग्री एल्कोहल। तो आप देखिए NaBH4 के साथ आपको कोई भी प्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए, यहां पे प्रोटिक सॉल्वेंट इसके साथ होना चाहिए, ऐसे लिख लीजिए प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है, कोई भी प्रोटिक सॉल्वेंट यहां पे चाहिए, चाहे वाटर हो, चाहे अल्कोहल हो, चाहे एसिड हो, बस यहां पे H प्लस चाहिए जो H प्लस दे पाए, ठीक है, क्योंकि उस ऑक्सीजन के साथ जो जुड़ा वाला एच है वो अलग से चाहिए हमें, ठीक है। तो इस स्टोरी का राज ये है, मैकेनिज्म में आपको समझ में आया, याद अब आ गया होगा कि नीचे अभी जो क्वेश्चन किया था शुरुआत में हम लोगों ने आके क्लास के, कि वहां पे NaBH4 के साथ एथेनॉल मेथेनॉल क्यों था, क्योंकि एथेनॉल जो होता है एथेनॉल भी एक प्रोटिक सॉल्वेंट है, ये आसानी से ETO- + H+ में डिसोसिएट हो सकता है, एच प्लस ये रिलीज कर सकता है, और यही एच प्लस की जरूरत है यहाँ पे। आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होगी, ठीक है, नोट कीजिए प्लीज। दूसरा जैसे ये है, अब इसके बारे में अगर सोचे तो फिर से वही मैकेनिज्म का प्रोसेस, अपने आप भैया करने का भी प्रयास करते रहिए आप, हमेशा उसी तरीके से NaBH4 अपने आप को ब्रेक करेगा किसमें, Na प्लस साथ में BH4 माइनस, और जो कीटोन है आपका, ठीक है, ये क्या है कीटोन तो है, और कन्वर्ट किसमें हो गया है 2 डिग्री अल्कोहल में, कीटोन जो है कन्वर्ट हो गया 2 डिग्री अल्कोहल में। तो कीटोन के साथ अगर आप देखें तो बिहेवियर इसका कैसे होगा, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे एल्डिहाइड के साथ था, बोरान के साथ अभी भी चार्ज है विथ निगेटिव चार्ज, और फिर से सिचुएशन वही होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा माइनस और ये प्लस, और हमेशा की तरह इस H को इस प्लस के साथ जाना पड़ेगा, जब ये H इस प्लस के साथ जाएगा तो बनेगा R, यहाँ पे C, यहाँ पे O माइनस, यहाँ पे क्या आ गया H, और यहाँ पे CH3, और साथ में ये BH3 बन गया, ठीक है, न्यूट्रल हो गया ये। अब ये क्या करेगा, H प्लस की जरूरत पड़ेगी, कहाँ से आएगा ये, प्रोटिक सॉल्वेंट से, प्रोटिक सॉल्वेंट से आएगा, ठीक है, अच्छे से लिख दो प्रोटिक सॉल्वेंट, एच प्लस प्रोटिक सॉल्वेंट से आएगा, क्या बन जाएगा R OH H
और ये CH3, या इसी को तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, RCHOH CH3, 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जो मैकेनिज्म है वो कितना सटीक यूज होता है और कैसे इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, हमेशा यहां पे कोई ना कोई प्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए होगा, प्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, और फिर मैंने वही बोला यार, कभी कभी देते हैं, कभी कभी अपने आप एज्यूम कर लेता होता है कि यहां पे होगा। ठीक है, IIT में यार देते हैं, मेंस या CBSE वाले कभी कभी वो कंजूसी कर जाते हैं, नहीं देते हैं, लेकिन IIT वाले मिस नहीं करते, वो हर एक बात का बहुत विशेष ध्यान रखते हैं। वो टेम्परेचर प्रेशर भी मेंशन कर देते हैं 0 डिग्री पे, या इथरल सोल्यूशन में बहुत अच्छे से डाटा देते हैं। ठीक है, लेकिन अब वो आप जो जितने एग्जाम CBSE कराती है, कहीं ना कहीं वो अपना कमियां गिरी कर जाते हैं वो। फिलहाल प्लीज नोट कीजिए, फिर कुछ क्वेश्चन एक दो करते हैं इस पर। एक क्वेश्चन ऐसे हो सकता है, अगर आपसे थोड़ी सी बेहतरीन बातों की उम्मीद करेंगे तो ऐसे पूछ सकते हैं, NaBH4 with D2O, D2O, अब प्रोडक्ट कैसे है? एक तो सिंपल प्रोडक्ट, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। अब यार जिसको थोड़ी सी जानकारी नहीं थी होगी मैकेनिज्म की, वो वहां पे परेशान करेगा, वो शायद पहला वाला ऑप्शन करके लड़का चला है। अब भैया D2O दिया है तो कुछ तो इसका मतलब होगा, कुछ इंटरप्रिटेशन इसका तो होगा। तो अगर हम लोग अब सोल्यूशन की तरफ बढ़े तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप ट्राई करके खुद आंसर कर रहे होंगे। जैसे आप प्रोटिक सॉल्वेंट लेते थे जो प्रोटॉन रिलीज करे, तो यहां भी हम प्रोटिक सॉल्वेंट ही लिए हैं, बस H2O की जगह क्या है D2O। H2O होता तो H+ देता, D2O है तो क्या देगा, D+ देगा। वो D+ कहां जाएगा, ऑक्सीजन के पास। तो जैसे कि अगर मैं जानता हूं तो आपने करना शुरू किया होगा तो कुछ इस तरह से किया होगा। यहां पे आपके पास बोरान से जुड़े हुए 4H होते हैं, ठीक है, 4H होते हैं, माइनस होता है ये बॉन्ड ब्रेक, माइनस प्लस ये वाला H यहां जाएगा, तो आपके पास जो स्पीसी बन के आएगी वो कुछ ऐसे आएगी, यहां निगेटिव चार्ज, यहां पे H आ जाएगा। अब इस निगेटिव चार्ज कुछ क्या चाहिए, प्रोटॉन, और प्रोटॉन कहां से मिलेगा, D+OD-, कौन देगा ये D+OD-, D2O, और D+ क्या करेगा, O- के साथ जाके जुड़ जाएगा। तो आपके पास जो प्रोडक्ट आएगा क्या आएगा, OD, यहां पे H। कौन सा आंसर मैच किया, कौन सा आंसर मैच किया, सी वाला आंसर मैच कर गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता। अच्छा एक बात बताइए, इतना तो समझ में आ गया कि नहीं आया, इतनी बात तो पहुंच गई होगी कैसे क्या यूज होगा। अब यहीं पे मगर थोड़ा सा और वेरिएशन कर दूं, थोड़ा सा वेरिएशन कर दूं, इतना आपने नोट कर लीजिए, इतना आराम से तसल्ली से नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं यहीं पे थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, देखिए क्या चेंज कर रहा हूं। रिएजेंट का जो है थोड़ा सा उलट फेर कर दे रहा हूं, यहां पर मैं लिख रहा हूं NaBD4 साथ में H2O। अब ये एक नया क्वेश्चन तैयार हो गया, ठीक है, एक नया क्वेश्चन तैयार हो गया। मैं चाहता हूं इसे अब फिर से अपने नए अंदाज से ट्राई कीजिए और फिर आप मैच कराइए आंसर, बताइए कौन सा आंसर इसमें अब आएगा, आंसर पे फर्क पड़ेगा या बिल्कुल वही आंसर रहेगा, हो सकता है कुछ भी हो सकता, तो हम बदल करके तो देखेंगे ना। तो आई होप कि अब थोड़ा सा आंसर बदल जाएगा, कौन सा आंसर आएगा, कौन सा आंसर आएगा, बस लॉजिक को पकड़ के चलेंगे तो बिल्कुल आपके साथ धोखा नहीं होगा। अब यहां पे जो NaBD4 है ये डिसोसिएट होगा तो क्या देगा, Na+ और साथ में BD4-, क्या देगा, BD4-। तो जरा देखिएगा जब इसके साथ ये रिएक्शन होगा यहां पे, तो यहां पे क्या आएगा, B, उसके साथ अब ड्यूटेरियम लगे हैं भैया, H नहीं है, ये माइनस है। ठीक है, अब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, माइनस प्लस, अब इस प्लस पे कौन आएगा, डी आएगा, ड्यूटेरियम आएगा, क्योंकि वहां पे अब प्रोटियम यानी H+ नहीं है, तो यहां पे आएगा O-, यहां पे डी आ चुका है, यहां पे डी आ चुका है, और साथ में यहां पे क्या निकल चुका है, साथ में
ऑब्वियसली मैं कहाँ लिख दूँ, कहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख देता हूँ बी डी थ्री बच जाएगा, बी डी थ्री बच जाएगा ना, बी डी थ्री बच जाएगा। अब क्या जरूरत है इसको, H प्लस की प्रोटॉन की, और यहाँ पे देखिए प्रोटॉन अवेलेबल है। H2O क्या करेगा, H2O कहेगा भैया आप आसानी से H प्लस ले सकते हो, तो H प्लस इसको मिल जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या आएगा OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे D। आंसर बदला कि नहीं बदला, आंसर बदला कि नहीं बदला, बिल्कुल बदला। अगर रिएक्शन कंडीशन बदल देंगे तो आंसर भी बदल जाएगा, इस सिचुएशन में आंसर क्या आ गया, B आ गया। तो मैकेनिज्म को थोड़ा सा भी ध्यान रखना जरूरी है, ये छोटे से क्वेश्चन है, छोटा सा बदलाव है, लेकिन बड़ी बात नहीं होगी ये एग्जाम में आ जाए, बिल्कुल सरप्राइज नहीं होऊंगा मैं या आप भी सरप्राइज नहीं होंगे अगर ये क्वेश्चन एग्जैक्टली जैसे लिखा है वैसे एग्जाम में आ जाए। जिसको बस इतना पता है कि सीओ कन्वर्ट जाता है सीएच ओएच में, उसमें उसकी तो यहां पे जान सूख जाएगी कि अब एच कहां से आए, कहां से आए, कौन सा होगा। बहुत लोग ये आंसर करके चले आएंगे, बहुत लोग वही करके आएंगे, बहुत लोग तो सर पे हाथ रख के सोचेंगे क्या होगा। लेकिन आप थोड़ा सा जब मैकेनिज्म के साथ इंश्योर होते हैं तो ऐसे सारे क्वेश्चन आपसे आसानी से हो जाते हैं। ठीक है, प्लीज आप इसे नोट करें, फिर बात आगे बढ़ाते हैं। ओके, तो कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन तो देख लिया, अब फोर्थ नंबर प्रिपरेशन पे आते हैं बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो लोगों को लग रहा हो सर इसका तो रिडक्शन पढ़ चुके हैं, हाँ पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ मैकेनिज्म भी समझेंगे। वहां तो हम लोगों ने मैंने बोला था कि वन शॉट में सबको देख रहे हैं, तो इसका मतलब थोड़ा कि वन शॉट में देख लिया तो बस उसको पढ़ना ही बंद कर देंगे, क्या उसके बारे में कुछ एनालिसिस करना बंद कर देंगे। वो तो वन शॉट में था, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, जैसे अभी मैंने चार पांच कराए वैसे क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप तुरंत करके चले आओ। लेकिन भैया जब अच्छा क्वेश्चन आएगा तो ये वन शॉट वाला कभी कभी काम नहीं आता, इसलिए मैं कहता हूं यार कुछ रेडीमेड क्वेश्चन ऐसे हैं जो ठीक है आपका काम चल जाएगा, लेकिन जब आप अच्छे लेवल के क्वेश्चन एक्सपेक्ट करते हो तो भैया वो बहुत परेशान करता है, बहुत परेशान करता है, उसके लिए एनसीईआरटी वगैरह धरी की धरी रह जाती, बहुत ही खतरनाक बुक है एनसीईआरटी। जिसने पहली पहली बार एनसीईआरटी पढ़ा वो उसको तो डुबा देता है, लेकिन जिसने सब कुछ पढ़ने के बाद एनसीईआरटी पढ़ा वो जिंदा बचे रहते हैं। ठीक है, धीरे धीरे मैं बताता रहूंगा ऐसा क्यों है। फिलहाल वापस आते हैं, समय की मर्यादा है, ज्यादा बातें कर नहीं सकते, बातें करनी है तो कभी अलग से बात करेंगे। बोला गया है बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, अब आप देख रहे होंगे यहां पे क्या है COOH, COOH किस में रिड्यूस हो गया है, COOH कन्वर्ट हो गया है CH2OH में, CH2OH में 1 डिग्री अल्कोहल में। ठीक है, ये तो डायरेक्टली हम लोगों ने याद कर रखा पहले भी, लेट्स सी द मैकेनिज्म, मैकेनिज्म देखते हैं तो थोड़ा सा और मजा आएगा कि मैकेनिज्म में क्या रहस्य है, क्या ऐसा करता है LiLH4। और हम एक बात जानते हैं कि NaBH4 के साथ इसकी क्षमता नहीं है। ठीक है, अब जैसे कि LiLH4 के बारे में हम जानते हैं कि LiLH4 आसानी से क्या करेगा, Li प्लस साथ में AlH4 माइनस देगा, और AlH4 माइनस क्या करेगा बाद में AlH3 प्लस H माइनस में अपने आप को आयोनाइज कर लेगा। अब जो ये एसिड है RC डबल बॉन्ड OOH, एसिड के पास एक एसिडिक हाइड्रोजन भी है। अरे भैया एसिडिक हाइड्रोजन बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिडिक हाइड्रोजन है। अब जैसे ये H माइनस इसमें मिला, H माइनस तुरंत इस एसिडिक H को लेगा, एसिड बेस रिएक्शन होगा यहाँ पे, तो ये बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O माइनस Li प्लस लिथियम प्लस, इसके साथ आएगा और H2 हाइड्रोजन गैस निकलेगा, ये बनेगा। अब एक्चुअली होता ये है, कि जो यहाँ पे AlS3 है, एल्यूमिनियम एक लुईस एसिड है, ये AlS3 के पास, एल्यूमिनियम के पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, इसके पास 6 ही इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है, तो ये एक्चुअली करेगा क्या, ये जो यहाँ पे RC डबल बॉन्ड O O माइनस Li प्लस बना है, यहाँ पे आएगा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के साथ 3 H यहाँ आएंगे। अब वो एल्यूमिनियम क्या करेगा,
इसके ऑक्सीजन के लोन पेयर को लेगा। ध्यान से देखिएगा, इस स्टेज में थोड़ी सी साइमल्टेनियस बातें होंगी। ये इसके लोन पेयर को लेगा और साथ साथ ये बॉन्ड ब्रेक होगा, और जैसे ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये इसके पास आठ बॉन्ड बना एल्यूमिनियम के साथ ऑक्सीजन, और इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और वो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इस एच को एल्यूमिनियम के हाइड्रोजन को लेगा। साइमल्टेनियस सारी बातें होंगी। अच्छा, ये सारी बातें हुई तो जरा देखिएगा क्या रिएक्शन के सीन में क्या क्या चेंज आया। यहां पे आ गया O, इसके साथ आ गया AlH2। भाई एल्यूमिनियम के साथ तीन हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन कार्बन के पास गया। अच्छा, इसके पास H आए तो क्या मैं H ऐसे बना दूं? अगर ऐसा नहीं लग रहा तो H नीचे रख देता हूं और Li+। ठीक है, लिथियम तो बस बेचारा साथ साथ खींचे है, उसका कोई काम है नहीं फिलहाल। अब होगा क्या कि इसके अभी भी ये चाहेगा कि इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाए, ये भी चाहेगा इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाए, और इसको ऑक्सीजन इसके साथ चलाती है, निगेटिव चार्ज इधर डिलोकलाइज करेगा, और जैसे निगेटिव चार्ज के साथ डिलोकलाइज करेगा, एल्यूमिनियम इस पूरे ऑक्सीजन सिस्टम को लेकर निकल जाएगा। अच्छा, ऑक्सीजन के सिस्टम को लेकर निकला, जरा देखिए आर। अच्छा, डिलोकलाइज किया तो यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा, तो आर आर कार्बन के साथ क्या बना, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या बचा, हाइड्रोजन, और यहाँ पे निकला क्या, AlH2O-, ये निकल गया। ध्यान दीजिएगा, AlH2O- लेके निकल गया, क्या बना, एल्डिहाइड। ध्यान दीजिएगा, जब एक बार रिड्यूस होता है तो एल्डिहाइड, अगर कोई कंट्रोल करना चाहे रिएक्शन को कि AlH4 को बस थोड़ा सा उसके पास ले जाके फिर निकाल देंगे, तो भैया CWS पहले एल्डिहाइड से रिएक्शन रुक जाएगा। लेकिन एल्डिहाइड पे रिएक्शन खत्म नहीं, रुकेगी नहीं, एल्डिहाइड की रिएक्शन आगे बढ़ेगी, एल्डिहाइड की रिएक्शन आगे बढ़ेगी। इतनी बात अगर समझ में आ गई तो मैं बाकी बात यहां लिख देता हूं। एल्डिहाइड पे अगर यहां पहुंचा तो फिर से क्या करेगा, यही रिएक्शन फिर से AlH4, तो बहुत ही पड़ा है ना, तो AlH4 ये रिएक्शन फिर से आएगा, तो इसके पास क्या है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के साथ क्या बचा हुआ है, चार चार हाइड्रोजन है, ठीक है, माइनस है, तो फिर से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, माइनस प्लस, तो ये प्लस ब्रेक होगा, तो फिर से यहां से एच लेगा ये, अगर ये एच लिया तो क्या बना, RCO-, एक एच पहले से था, एक एच और आ गया, और यहां पे क्या निकल गया, AlH3, ये बच गया। अब फाइनली आखिरी स्टेप में जो एच प्लस दिया है उसका यूज होगा, यहां पर एच प्लस यहां आएगा तो कन्वर्ट कर देगा, आर यहां पर क्या है, OH हो जाएगा, तो मैं सीधे से लिख दे रहा हूं RCH2OH। अब यह कन्वर्ट हुआ 1 डिग्री एल्कोहल में, ठीक है। तो आराम से देख लीजिएगा, एक साथ मिक्स मत करना, शुरुआत यहां से करना, यहां जब एल्डिहाइड बन जाए तो यहां से रिएक्शन स्टार्ट करना, यहां से फिर एल्डिहाइड, तब जाके एल्कोहल में, यानी जब एक बार रिएक्शन होता है तो फाइनली क्या मिलता है, एल्डिहाइड फर्दर AlH4 के साथ रिएक्शन करता है, तब आपको क्या मिलता है, एल्कोहल, ठीक है। तो ये पूरी प्रोसेस है, मैं फिर से बोलूंगा, ये CBSE बोर्ड जितने एग्जाम मैंने JEE मेंस नीट इन सब के लिए, भैया ये सारी मैकेनिज्म बिल्कुल नहीं है, आपको बस इतना याद रखना है। IIT एडवांस के लिए मैं लिख देता हूं, कभी हो सकता है कुछ उसमें बोल के, क्योंकि IIT एडवांस का यार कंसेप्ट निराला है, वो तुरंत ही एक चार लाइन का कंप्रिहेंशन लिखेंगे, कहेंगे मैं यही थ्योरी बना रहा हूँ, यही थ्योरी पढ़ा रहा हूँ आपको, इस थ्योरी को पढ़ो, और नीचे मैं दो क्वेश्चन पूछूंगा उसी थ्योरी के बेस्ड पे, दो क्वेश्चन करके आओ। तो वो प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करना चाहते हैं एडवांस वाले, तो वहां पर थोड़ी सी एक्स्ट्रा जानकारी आपको चाहिए होगा, ठीक है। वो बोल देंगे कि भैया एक कंपाउंड है AlH4 साथ इंटरेक्ट कराते हैं, लेकिन कुछ ट्रेसेस ऑफ AlH4 कॉन्टेक्ट में लाते हैं, फिर उसे हटा लेते हैं, रिडक्शन ऑफ फंक्शन, मतलब एक माहौल बनाएंगे वो 4-5 लाइन लिखने के बाद, उसके बाद उसी 4-5 लाइन के बेस पे जो माहौल वो बनाएंगे उस पर दो क्वेश्चन पूछेंगे सिंपल सा। और ये नया बात नहीं है कि अभी ये होगा, पहले भी हो चुका है, जैसे जैसे आप समय बिताएंगे हमारे साथ मैं कराता रहूंगा, तब तक मैं कुछ करा लूँ, जैसे एल्कोहल में थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे फिर मैं वो क्वेश्चन कराऊंगा। आप असाइनमेंट में देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन हमने असाइनमेंट में दे रखा, सिंगल करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट, मैचिंग, इंटीजर टाइप,
जेई में आए हुए क्वेश्चन लास्ट में सब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत बड़ा असाइनमेंट एल्कोहल का बनाया है मैंने, क्योंकि इंपॉर्टेंट है वो, पूछा गया। जितने क्वेश्चन आपके असाइनमेंट में पीछे सब पड़े सब्जेक्टिव में, सब आईआईटी में कभी ना कभी पूछे गए। तो आईआईटी एडवांस के लिए भैया ये सारी जानकारी आपके पास होना जरूरी है। मैं नहीं चाहता किसी स्टेज पे आपको नया लगे आप एग्जाम में जब बैठे। फिलहाल तो मैं बात कर रहा था कि भैया सीबीएसई कंडक्टेड एग्जाम में इतना पर्याप्त है, इतना लाइन आपके पास पर्याप्त, ये ज्यादा ज्ञान की बातें एडवांस लेवल की हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। अब देखेंगे कि मैकेनिज्म का बिल्कुल जिक्र नहीं है एनसीईआरटी में, क्यों? वो इतना ही लिख के चले गए बस, काफी है। लेकिन यार एनसीईआरटी पढ़ के एडवांस कर लेना ये भैया काफी नहीं है, एकदम स्पष्ट बता दे रहा हूं। इनऑर्गेनिक हो सकता, ऑर्गेनिक बिल्कुल काफी नहीं है, ठीक है। तो आप इस बात का ध्यान रखें, या पता नहीं कैसे लोग अंधविश्वास बोल देते हैं, अरे एनसीईआरटी काफी एडवांस है। अरे कैसे काफी है यार, एडवांस के प्रीवियस ईयर के 42 इयर्स के पेपर उठा के देखो, बजर बट्टू ना हिल जाए फिर बता देना कि यार कैसे क्वेश्चन हो जाते हैं। अंधे में नहीं रहना है, सब कुछ ध्यान में रख के काम करना है। किसी ने बोल दिया कुछ, किसी ने बोल दिया कुछ, ऐसा कुछ नहीं। प्लीज आप इसे नोट कीजिए, फिर आगे बात बढ़ाते हैं क्या एक्चुअली और कुछ होने वाला। जैसे ये कंपाउंड आपको दिया गया, ठीक है, जब तक वहां पे लिमिटेशन दिया ना जाए तब तक आप हमेशा मान के चलिएगा कि ये अंधाधुंध तरीके से रिडक्शन करने वाला है, भीषण रिडक्शन करने वाला है, जब तक वहां पे आपको लिमिटेशन बोला ना जाए, ठीक है। अब LiLH4 है, फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से है, COOH भी है और CHO भी है, किसको रिड्यूस करेगा? दोनों को। COOH किसमें कन्वर्ट हो जाता है? CH2OH में। CHO किसमें कन्वर्ट हो जाता है? CH2OH में। तो यहां पे प्रोडक्ट आपका ये आएगा, ठीक है, ये प्रोडक्ट आएगा, ध्यान रखना बात को, ठीक है। LiLH4 के साथ फिर से अगर रिएक्शन करा दिया जाए, बनाइए प्रोडक्ट, बनाइए तेजी से, इसका नाम क्या होता है? थायलिक एसिड, ध्यान रखिएगा, काफी लोग इसके 12th वाले जानते होंगे। थायलिक एसिड कौन से पॉलीमर बनाने में यूज करते हैं? ग्लिप्टल, डिक्रान, सर खुजला रहे हैं सब लोग, हाथ जाके पॉलीमर में देखना कि थायलिक एसिड किसको यूज करते हैं और टेरी थायलिक एसिड किसका यूज करते हैं। ओके तो ये आपका रिडक्शन प्रोडक्ट है, तो ध्यान रखना बस COOH को CH2OH में, COOH को CH2OH में, हर फंक्शनल ग्रुप को, जैसे फाइनली हमें काम आता है डायरेक्ट ही मोस्टली जगह पे, ठीक है, तो ऐसे ही फाइनली लिख लेना होगा। जैसे ये क्वेश्चन हो सकता है, क्या बोला गया है, द मोस्ट सुटेबल रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन, इस कन्वर्जन से इस कन्वर्जन में कन्वर्ट करने के लिए सुटेबल रिएजेंट बताइए। बहुत ही फैमिलियर क्वेश्चन इस तरह से फेमस होते हैं, इसका नाम होता है पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड, इसका नाम होता है लैक्टिक एसिड, ठीक है, हाँ वही जो दूध में पाया जाता है, लैक्टिक एसिड। अब कभी नाम दे दे कि भैया पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड कन्वर्ट कर रहे हैं तो रिएजेंट बताओ, ये तो बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन स्ट्रक्चर के साथ दे दे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। क्या चेंज हुआ है? अगर आप देखेंगे तो COOH जैसे का था वैसा ही है, COOH यहाँ पे भी है और ये COOH यहाँ पे भी है, तो COOH रिड्यूस नहीं हुआ। क्या रिड्यूस हुआ है? यहाँ पे देखेंगे तो ये एल्कोहल में कन्वर्ट हो गया, कौन? कार्बोनिल। तो पहला ऑप्शन तो हो नहीं सकता क्योंकि LiLH4 दोनों को तोड़ मरोड़ देगा, NaBH4 हाँ यही अप्रोप्रिएट है क्योंकि ये कार्बोनिल को ही केवल रिड्यूस करेगा, HI रेड फॉस्फोरस दोनों को, क्लीमेंसन रिडक्शन, ZnHgCl क्लीमेंसन रिडक्शन, ये कार्बोनिल को एल्केन में कन्वर्ट करता, बहुत ही सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट होता है, हाइड्रोकार्बन ने बताया था, इसके साथ उल्फ किस्नर भी बताया था, तो इसको भी हम यूज नहीं कर सकते। तो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए ये आपका सुटेबल ऑप्शन है, ठीक है, प्लीज आप इसे नोट कीजिए। क्वेश्चन इस तरह से हो सकता है, फिर से अगर मैं पूछूं आपसे कि एक रिएक्टेंट दिया गया है जिसमें दो रिएक्शन पाथ दिए गए हैं, एक LiLH4 NaBH4 पी बन रहा है और क्यू बन रहा है, बोला था कंपाउंड पी एंड क्यू आर रिस्पेक्टिवली, पी और क्यू क्या होंगे साथ साथ, दोनों बारे में इंफॉर्मेशन पूछा है आपको। अब यहाँ पे LiLH4 और NaBH4 दोनों
रिड्यूसिंग एजेंट के फंक्शन के बारे में आपसे जिक्र कर लिया, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन के लिए भी आप तैयार रहेंगे, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप में से काफी लोग इसका आंसर बहुत ही इजीली कर पा रहे होंगे, ठीक है। ओके, ठीक है। तो आई होप कि आपका आंसर, काफी लोगों का आंसर भी आ गया होगा। कौन सा इसमें आंसर आ रहा है? तो देख रहे होंगे तो COOH है, यहाँ एसिड क्लोराइड है। तो भाई एलाइल एस4 के बारे में आप जानते हो, ये ड्रास्टिक मैनर में रिड्यूस करेगा दोनों के दोनों एल्कोहल में। तो ये और ये, ठीक है, ये और ये, हाँ, मतलब अब पहला ऑप्शन, ये थर्ड वाला ऑप्शन तो नहीं होगा क्योंकि COOH बचा। NaBH4 के साथ जानते हैं कि COOH को रिड्यूस नहीं करेगा। अगर COOH को रिड्यूस नहीं करेगा तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि इसमें इनको रिड्यूस कर दिया है। ये भी नहीं होगा क्योंकि इसने इनको रिड्यूस कर दिया है। भैया एक ही ऑप्शन बचा हमें बाय ऑब्जर्वेशन, हमने इसको कर दिया है। और हमने आपको बताया था कि एसिड हैलाइड एक ऐसा एसिड डेरिवेटिव है जो NaBH4 से रिड्यूस होता है करस्पॉन्डिंग एल्कोहल, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन यहां पे पूछे जाते हैं। आई होप कि यह बात आपको समझ में आती है। तो आप नोट कर लीजिए इस क्लास को, इस बात को नोट कर लीजिए। और समय आप आगे की इजाजत नहीं देता कि ये बची हुई चीजों को आगे पढ़ें। अब अगली क्लास में आप फ्रिक्वेंट थोड़ी सी तेज होगी, फ्लुएंस थोड़ी सी तेज होगी। क्यों? क्योंकि ये बातें बहुत ही पेचीदा बातें थी, बहुत ही परेशान करने वाली बातें थी, इसलिए थोड़ा सा स्पीड स्लो रही। अगली क्लास में हम लोग एसिड डेरिवेटिव के रिडक्शन के साथ साथ हम लोग थोड़ा सा स्पीड में आ जाएंगे और थोड़ा सा आगे भी पहुंच जाएंगे। तो आई होप कि प्रिपरेशन अगली क्लास में ख़त्म ही हो जाएगी अल्कोहल की जितनी भी है। फाइन, तो आज की क्लास यार फाइनली यहीं पे रखते हैं। हाँ, अब आप असाइनमेंट में कुछ अटेम्प्ट करने के हालत में हो गए हैं, ठीक है। मैं कुछ क्वेश्चन बता देता हूँ ताकि आपके पास थोड़ा सा होमवर्क भी आ जाए, थोड़ा सा आप काम करते रहे, ठीक है। और जैसे भी यार एल्कोहल की ज़्यादातर रिएक्शन उसकी केमिकल प्रॉपर्टी पे बेस्ड होंगी, केमिकल रिएक्शन पे बेस्ड होंगी। तो प्रिपरेशन से रिगार्डेड बहुत ज़्यादा रिएक्शन आपके पास नहीं होंगे। फिलहाल मैं क्वेश्चन आपको कुछ असाइनमेंट से दे देता हूँ, इसे आप नोट कीजिए, फिर मैं असाइनमेंट के लिए बात करता हूँ। ओके, तो ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं यार, मैं बोल रहा हूँ प्रॉपर्टीज पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अभी आप कुछ क्वेश्चन करने की हालत में आप कर लीजिए, फिर आगे क्लासेस में क्वेश्चन। और हाँ, लेकिन यार काम ऐसा नहीं, आपके पास काम नहीं है, इसका प्रॉपर पूरा नोट्स बनाना होता है, पुरानी चीज़ों को रिवाइज करना होता है, काम बहुत है, ठीक है। कनेक्टेड रहना जरूरी है पुरानी चीज़ों को। हाँ, हेलो एल्केन, हेलो एरीन, जितने लोगों ने अभी तक कंप्लीट नहीं किया है उसे कंप्लीट कर लेंगे और उसको पूरा का पूरा आपके पास होना चाहिए असाइनमेंट से लेके तभी, क्योंकि जैसे मैं इसकी प्रिपरेशन खत्म कर लूँगा प्रॉपर्टी आते आते बहुत सारी रिएक्शन इन्वॉल्व होने वाली है, तो आपको परेशानी होगी। हेलो एल्केन, हेलो एरीन कंप्लीट होना चाहिए इसको करने से पहले, तभी आप कनेक्ट कर पाओगे। हाँ, तो सिंगल करेक्ट ऑप्शन में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर सकते हैं, उसके बाद सीधे जंप करेंगे 70, 71, 72, 75। हाँ, ये इंजीनियरिंग वालों के लिए भी है, मेडिकल वालों के लिए है। फिलहाल मेडिकल के असाइनमेंट में पैसेज नहीं होगा, इंजीनियरिंग के असाइनमेंट में पैसेज नंबर 4 दिया है रिडक्शन के बेस पे, उसे भी आप अटेम्प्ट करोगे, ट्राई करोगे। 3 क्वेश्चन है, शायद 2 क्वेश्चन हो जाएगा, 1 नहीं होगा, मतलब मैं गारंटीज नहीं कर रहा नहीं होगा, लेकिन उसमें परेशानी आती है लोगों को, शायद आपसे हो जाए। नहीं होगा तो मेरे से आप पूछ लोगे जैसे अब तक पूछते आए हो, ठीक है। तो फाइनली ऐसी क्लास यहीं पे खत्म रखते हैं गाइस। हाँ यार, लोगों के डाउट्स आ रहे हैं, भैया बैलेंस इक्वेशन के हिसाब से आप पढ़ते रहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तीनों का इक्वेशन बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं केवल केमिस्ट्री केमिस्ट्री पढ़ रहे हो या फिर केवल बायो बायो पढ़ रहे हो, क्योंकि यार वेटेज हर किसी का है। ऐसा ना हो कि 2 का आपका ग्राफ एक्सपोनेंशियली अच्छा चल रहा हो और 2 का डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपका ग्राफ चल रहा हो, तो समय तीनों को प्रॉपर देना है, बहुत ही जरूरी है। और हाँ यार, डाउट सेशन का जो टाइमिंग है उसी टाइमिंग पे आप तुरंत आ जाइए सब लोग, ठीक है। और अगर किसी टाइम पढ़ रहे हो आपके पास डाउट आ गया तो हाँ आप सेंड कर लो, कोई टीचर अवेलेबल है तो तुरंत आंसर करेगा, अदरवाइज आपको टाइमिंग पता है डाउट सेशन की, उसी टाइमिंग पे आप क्वेश्चन पूछिए, आपको क्विक रिप्लाई मिलेगा। फाइन, तो होपफुली आप सब मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और पढ़ाई लिखाई अच्छी चलती रहनी चाहिए। तो आज की क्लास यहीं पर रखते हैं। ओके गाइज, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।